वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल विद पल्लवी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दुर्गा पूजा एंड करवा चौथ मेकअप लुक। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने मैक का प्रेप प्लस प्राइम लिया हुआ है और उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ अपने पूरे फेस पे और नेक पे। एंड इसके बाद मैं लूँगी जो है मैक का प्राइमर, और प्राइमर क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मैं जो है प्राइमर एंड प्रेप प्लस प्राइम दोनों अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे, जिससे मैं जो मेकअप करूँ बहुत ही सेटल हो, बहुत ही अच्छा लगे। देन मैं मैक की बीबी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ और फेस पे और नेक पे दोनों पे। तो दोस्तों जब भी आप मेकअप करें फेस और नेक दोनों पे अप्लाई करें मेकअप, अदरवाइज आपका फेस अलग और नेक अलग लगेगी, दोनों बहुत ही डिफरेंट लगेगा। तो फेस और नेक को एक जैसा लगने के लिए दोनों पे फेस पे मेकअप अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। देन मैं मैक का फाउंडेशन लेकर के अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे। और दोस्तों ये जो फाउंडेशन है ये बहुत ही अच्छा कवरेज देता है, मेरे स्किन टोन पे बहुत ही अच्छे से सेटल हो जाता है। तो इस तरीके से जो है मैं अपने फेस और नेक पे दोनों पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ मैक का फाउंडेशन। देन मैं मैक का कंसीलर लगा रही हूँ जहाँ जहाँ पे मुझे हल्के से पिंपल आ गए उसको हाइड करने के लिए, एंड आई लिड्स के ऊपर लगा रही हूँ जो मुझे आई मेकअप करना है। तो ये डे मेकअप है तो मैं बहुत ज़्यादा हाई, मतलब यू नो बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं करूँगी, हैवी मेकअप नहीं करूँगी, थोड़ा सा लाइट ही करूँगी। तो इसको जो है स्पॉन्ज की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ अपने आईज के ऊपर, जिससे जो मैं मेकअप करूँ बहुत ही सेटल लगे। देन मैं मैक के कॉम्पैक्ट से जो अपने फेस के मेकअप को अच्छे से सेट कर ले रही हूँ, और ये कॉम्पैक्ट लाइट पिंकिश कलर में है। तो अगर आप डे मेकअप या नाइट मेकअप कोई सा भी मेकअप करते हैं तो आपके फेस से बहुत ही अच्छे से जाएगा। देन मैं जैकलिन हिल का आई शेडो पैलेट से लाइट ऑरेंज कलर ले करके, इसमें एक्चुअली ऑरेंज एंड ब्राउन मिक्स है तो दोनों को लेकर मैंने सबसे पहले बेस क्रिएट किया है। देन मैं अप्लाई कर रही हूँ लाइट रेड कलर, और लाइट रेड कलर को अपने आईलिड्स के ऊपर बहुत ही अच्छे से इसको ब्लेंड करना है, क्योंकि जो भी मैं मेकअप अभी अप्लाई करने वाली हूँ उसके बाद वो थोड़ा सा हैवी रहेगा आई मेकअप। तो क्योंकि ये करवा चौथ है तो इसका मेकअप है तो थोड़ा सा डार्क मेकअप है, हैवी मेकअप है, और उसके बाद जो है जो रेड कलर मैंने लिया था लाइट रेड उसको मैं अंडर आई लैशेस के ऊपर भी अप्लाई कर ले रही हूँ। देन मैं अप्लाई कर रही हूँ ये है कंसीलर अगेन, तो कंसीलर मैं ओनली आईलिड्स के ऊपर ही अप्लाई करूँगी इस तरीके से। उसके बाद में जो एक रेड कलर लिया था मैंने, थोड़ा सा शाइनी है वो, तो उसको लेकर के मैंने अपने आईलिड्स के ऊपर अप्लाई कर लिया है। और उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने आईज़ के ऊपर मेबलिन न्यूयॉर्क का पेंसिल काजल, क्योंकि विदाउट काजल दोस्तों आई मेकअप तो अधूरा लगता है। तो देन मैंने फॉल्स आई लैशेज अप्लाई कर लिए हैं, उसके बाद मेबलिन का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। और दोस्तों फॉल्स आई लैशेज अप्लाई करने के बाद जो आई मेकअप लग रहा है ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद मैं मैक का लिक्विड आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ, और ये आईलाइनर भी बहुत अच्छा है, मैंने आपको लास्ट वन ब्रांड मेकअप लुक में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप देख लेना। देन मैं मैक का कॉन्टोरिंग पैलेट से कॉन्टोर कर रही हूँ अपनी जॉ लाइन को और फोरहेड को। देन कॉन्टोरिंग को भी अच्छे से जो है ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज थोड़ा पैची लगेगा। तो आपके अगर नोज़ पे भी कॉन्टोर करने का अगर लगता है तो आप कॉन्टोर कर सकते हैं, तो उससे नोज़ थोड़ी शार्प लगती है नोज़ को कॉन्टोर करने से। तो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से कॉन्टोर को ब्लेंड कर लिया है। देन मैं वेट एन वाइल्ड के ब्लश की हेल्प से अपने चीक्स को पिंकिश एक लुक दे रही हूँ। देन वेट एन वाइल्ड के हाईलाइटर से मैं अपने हाईलाइट कर रही हूँ चीक्स को, फोरहेड को, नोज़, ब्रिज ऑफ द नोज़, टिप ऑफ द नोज़। देन मैं ब्रो, आपके जो ब्रो होते हैं उसको भी अच्छे से जो है हाईलाइट कर रही हूँ, ब्रो बोन को। देन इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लिया। देन मैक के आईब्रो पेंसिल से मैं आईब्रोज़ को थोड़ा सेटल कर रही हूँ, क्योंकि जो मेकअप करते हैं उसके बाद हमारी आईब्रोज थोड़ी सी लाइट हो जाती है। देन स्पूली की हेल्प से मैं उसको सेट कर रही हूँ। और देन मैं मेबलिन न्यूयॉर्क का ये है मेरे पास लिपस्टिक, बुलेट लिपस्टिक है, 02 नंबर है, इसको मैं डार्क, आप कह सकते हैं डार्क पिंक कलर है, बहुत ही रेड नहीं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि आई मेकअप ऑलरेडी बहुत हैवी है, तो मैं लिप मेकअप थोड़ा सा नो लाइट करना चाह रही थी। तो इस तरीके से जो है मैंने डार्क पिंक कलर को लगा लिया है। देन एक मेबलिन न्यूयॉर्क लिक्विड लिपस्टिक, ये भी डार्क पिंक कलर है, और इसको अच्छे से जो है लगा ले रही हूँ। तो दोस्तों ये कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताएगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो, सब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।